मलाइका, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मजेदार धमाकेदार बॉम्बास्टिक सा वीडियो। तो मैं आज करने वाली हूँ अपने इस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। अब इसमें है क्या ये तो अनबॉक्सिंग करने के बाद पता चलेगा ना, तो चलो इसको खोलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, वीडियो को लाइक भी करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, उन्होंने कहा मलाइका खान का पार्सल है, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने तो ऐसा कुछ मंगवाया ही नहीं है। तो फिर ग्रीन पैक में था, ऊपर से समझ नहीं था इसमें है क्या, तो फिर मैंने जो है वो इसको ओपन किया है। देन मुझे जो है ना ओपन करने के बाद पता चला इसका ऊपर वाला पैक देख के कि ओ आई सी, ये तो कर्लर है। और ये देख के मेरी खुशी और बढ़ गई कि इसके अंदर दो दो कर्लर थे। ठीक है, तो मैंने इसका पैक जो है वो ओपन किया और देखा ये किस ब्रांड के कर्लर्स हैं। अफिलियोफिली करके कुछ समथिंग नाम है इसका, बहुत डिफिकल्ट नेम था। तो उसकी तरफ से जो है ना ये मुझे रिसीव हुआ था और जो है ना मैंने इसको काफी अच्छे से नोट किया कि तो मेरे पास पहले भी अवेलेबल है। और इसके रिजल्ट्स का तो मैं आपको अभी से बता सकती हूँ कि इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा औसम है। साथ में दो रबर बैंड्स रिसीव हुए थे, इनके पोनियां थी, बहुत क्यूट थी। साथ ग्लव्स थे ताकि हम वेयर करके जो है इजिली कर्ल कर सके, हमें गर्म हीट ना लगे। ठीक है, गाइडेंस के लिए वाउचर था और थैंक यू का नोट था बीच में। अब ये जो कलर्स मुझे मिले हैं ना, इनमें दो साइजेस हैं, एक 19 नंबर का है यानी स्मॉल साइज ये वाला, और दूसरा जो है वो 22 नंबर का है यानी बड़ा साइज है। ठीक है, तो दोनों को करेंगे, तो चलो इनको चेक करते हैं, लेट्स गो। उससे पहले जो है ना हम अपने ग्लव्स को वेयर करेंगे जो कि हमें रिसीव हुए थे इन कलर्स के साथ ही, तो मैंने इनको वेयर कर लिया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ पहले कौन सा शेयर करूँ, 19 या 22 वाला। तो फिर मैंने जो है ना सबसे पहले 19 वाला पिक किया और उसको मैं आपको दिखाने वाली हूँ कर्ल करके। ठीक है, प्रॉपर वीडियो भी अगर आप चाहोगे तो फिर मैं शेयर कर दूंगी। ये जस्ट मैं एक लुक के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है और क्या इसका लुक आ रहा है। ठीक है, और जिनके ऊपर मैं कर्ल्स कर रही थी ना, उसके हेयर बिल्कुल ऑयली थे और कर्ल्स जो है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहे थे मुझसे। तो अगर आप लोग मुझे कहोगे ना तो मैं एक नीट क्लीन हेयर्स पर जो है ना कर्ल का ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगी, या अपने हेयर पर सेल्फ पर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको करना सिखाऊंगी अगर आप लोग कहोगे तो। और कर्ल करने के बाद जो लुक आता है ना, वो मैं आपको एक सही वाला क्लिप, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं कर्ल्स के, तो वो इसमें ऐड करके जो है वो आपको दिखाऊंगी कि वाकई में कैसा लुक आता है कर्ल करने के बाद का। मिनी वाले कलर से ना हमारे कर्ल्स जो है वो थोड़े से श्लिंग होते हैं, छोटे होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो थोड़ा सा नीचे रख सकते हो ताकि लेंथ जो है वो कम ना हो, और बाकी प्रॉपर लुक करो तो कुछ ऐसा लुक आता है हमारे कर्ल्स का। ठीक है, उसके बाद अब मैंने पिक किया था 22 नंबर यानी बड़ा साइज, जो कि हमें एज अ ब्लो ड्राई वाला लुक भी देता है। अगर आप चाहो तो ब्लो ड्राई वाला लुक भी कर सकते हो इससे, और आप चाहो तो प्रॉपर कर्ल वाला लुक भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग कर्ल करने से पहले मूस लगा लो ना, तो आपके कर्ल्स जो है ना वो ज्यादा देर तक स्टे करते हैं और ज्यादा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मतलब मजेदार हो जाते हैं, क्योंकि वैसे हम अगर मूस ना लगाना तो बाल बहुत सिल्की सिल्की होते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते कर्ल्स। तो अगर वैसे हम ये वाला कलर करें तो ब्लो ड्राई वाला लुक आता है, जस्ट लाइक दिस। इफ यू गाइस टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप जो है वो इन कलर्स पर प्रॉपर वीडियो बनाओ, यानी प्रॉपर कर्ल्स करके जो है वो एक जो लुक आता है ना प्रॉपर होता है, वो करने का अगर आप कहोगे मुझे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जल्दी से फिर कमेंट कर दो। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके साथ मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।